नंदन वन में गरीब किसान बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती किसान था, हर साल सब्जी की किसानी करता था। बबलू और पीलू भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों हर दिन श्री राम की सेवा पूजा करते थे और उन्हें भोग लगाते थे। हर काम प्रभु श्री राम की आशीर्वाद लेकर ही किया करते थे। भगवान श्री राम की ही तरह वो दोनों बहुत सीधे साधे थे। एक दिन पीलू कहती है, सुनिए जी, इस बार हमें कैसे भी श्री राम कथा करवानी होगी और भक्तों में प्रसाद बंटवाना होगा। तो बबलू कहता है, बहुत अच्छा सोच है पीलू, इस बार खास शरबती टमाटर बोया हूँ और अच्छे से खाद और पानी की सिंचाई कर रहा हूँ। इस बार अच्छी फसल होगी तो हम राम कथा करवा सकेंगे, बाकी प्रभु श्री राम जी की जैसी मर्जी हो। तो पीलू कहती है, श्री राम की कृपा हो नहीं तो अगर पिछली बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हमारे खाने की भी लाले पड़ जाएंगे, हमारे ऊपर वैसे भी बहुत बड़ा कर्जा भी है। पीलू और बबलू भगवान श्री राम की भक्ति करते रहते हैं, लेकिन उनकी पड़ोसी सुंदरी उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। पीलू बहन, सोच समझकर फल उगाना, नहीं तो कर्जा देने वाले लोग घर में घुस जाएंगे और हंगामा कर देंगे। वैसे कितना उधार है तुम पर? आप चिंता मत करो, श्री राम सब संभालेंगे। पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है, लेकिन वो सह लेती है। सुंदरी मजाक उड़ा के चली जाती है, लेकिन उस साल मौसम बहुत खराब रहता है, बहुत सूखा पड़ता है और अचानक से बहुत दिनों तक तेज बारिश होती है। फिर एक दिन बबलू अपने खेत जाता है, वो देखता है कि उसकी फसल खत्म हो चुकी है। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। हे प्रभु, खेत की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं तो आपकी कथा कैसे करवा सकूंगा। ये जमीन बंजर भी हो चुकी है, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। हे श्री राम, मुझे और पीलू को आपके भक्तों को प्रसाद खिलाना था, अब आप ही इस मुसीबत से बाहर निकालिए। पीलू ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। ऐसा सोचकर बबलू रोने लगता है, लेकिन तभी उसे श्री राम जी दर्शन देते हैं। बबलू, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने कष्ट में भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और मेरी कथा के बारे में ही सोचते रहे। तुम्हारे खेत में एक पुराना खजाना गड़ा है, अगर ये खेत नहीं सूखता तो तुम उसे कभी नहीं खोद कर निकाल सकते थे। अब तुम उस खजाने को निकालो। हे प्रभु, आपकी बहुत कृपा है, आपने मेरा और पीलू का जीवन बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास आपके नाम का खजाना है, आपकी जय हो। फिर बबलू पीलू को सारी बात बता देता है और दोनों साथ में खेती की खुदाई शुरू कर देते हैं। वो दोनों भगवान श्री राम के नाम का जाप करते हुए खुदाई कर रहे थे, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते हैं। क्या हुआ, इस बार तुम लोग नींबू, मिर्ची, पालक वगैरह की फसल नहीं बेच रहे हो? क्या इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है क्या? ऐसा है तो तुम लोग तो बर्बाद हो गए हो। पीलू उसे कोई जवाब नहीं देती है। बबलू जी, हम प्रभु के लिए खजाना लगाएंगे। सब उन्हीं का है पीलू। इसके बाद बबलू और पीलू खजाना पाने में कामयाब होते हैं। ये बात अब सब गांव वालों को बबलू और पीलू बता देते हैं कि ये श्री राम का खजाना है। सभी उनकी भक्ति की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन सुंदरी लालच में आ जाती है। जब दोनों पति पत्नी सो रहे होते हैं तो वो चुपचाप उनके घर जाती है और खजाना चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उस खजाने को छूती है उसको बहुत जोर का करंट लगता है और वो दूर जाकर गिर जाती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू उठ जाते हैं। तुम कितनी लालची हो, तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, लेकिन तुम्हें भगवान का खजाना भी चाहिए, ना कि उनकी भक्ति। तो बबलू कहता है, ये सुंदरी बहुत लालची है, इसके पास सब कुछ है लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है, इसी वजह से इसको सजा मिली। इसको पुलिस में दे देते हैं। फिर सुंदरी को जेल हो जाती है और दोनों पति पत्नी प्रभु श्री राम की कथा का आयोजन करते हैं और गरीबों में प्रसाद बांटते हैं।
अब वो लोग अच्छे से खेती करते हैं। बंटी और पीलू बहुत सरल स्वभाव के थे, जिससे प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूंगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानू कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर, फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं एक साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं? कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से दो दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है, मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है? दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए, फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना, मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बना कर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो, अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है, देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है, फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना, मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और एक साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। एक साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, एक साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था।
क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां के लोगों को अपने प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य के मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं, तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य के पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला, हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी आप ऐसा मत कहिए, हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं, सब आपके नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकैत अगर हमारे गाँव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकैत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपके शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकैत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है, आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकैत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे मेरी हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बनके जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकैत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूँगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा, आज से ही मैं जो भी चोरी करूँगा आपकी प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकैत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकैत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी कितने दिन हो गए लेकिन वो डकैत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुए बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी ये कैसे हो सकता है? उस डकैत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य,
लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है और यह बात उसे समझ में आ गया है। और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी, मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की, भले ही मैं कुछ दिन भूखा था मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को सवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपकी आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य के मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं। माँ माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो। अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी, जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिड़के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी, तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है, जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है, दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी पिताजी, आज ना मुझे कलर चॉकलेट्स की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया, ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है, स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे
तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों इतने खुश हो, क्या बात है। तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं।